चक नंबर 39 GD नेमत अलादिता मसीह, जिसको गांव के मुस्लिम बरादरी के चंद बदमाश रसागीरों ने मामूली रंजिश पर दिन दहाड़े घर में घुसकर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए खवातीन को नीम बरहना करके डंडों, सोटों, लातों, घूसों का बेदरेक इस्तेमाल करते हुए गुज़श्ता दिनों कत्ल कर दिया था। मगर कई दिन गुजर जाने के बावजूद कातिल दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस कातिलों से सास पास होकर खामोश तमाशाई बनी हुई है, जिस पर चेयरमैन मिनोरिटीज अलायंस अकमल भट्टी, एडवोकेट चेयरमैन यूनस इकबाल, सहाफी और समाजी शख्सियत असगर अहमद, मेंबर जिला कौंसिल याकूब चौथरा, मेंबर जिला कौंसिल डॉक्टर आदिल चौधरी, सलमून बाजवा मिनोरिटीज अलायंस और दीगर अहदेदारान और मसीही बरादरी ने एहतजाजी और मजम्मती कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि इस दिलसोज वाकया पर पुलिस की कार्रवाई न करना एक सवाल या निशान है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मुकामी पुलिस चेयरपर्सन अनासर से गठजोड़ कर केस को खराब करना चाहती है। और शवाहद मिले हैं कि पुलिस और चंद बकाऊ दरिंदा सेफ लोग मतुलिंग पर सुलह का दबाव डाल रही हैं और सुलह न करने पर कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, जिसकी हम भरपूर मजम्मत और वजीर आजम, वजीर आला, चीफ जस्टिस और आला हुक्मरानों से इंसाफ और इस मसीही खानदान की दादरसी की अपील करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दिन ब दिन पसमांदा तबकात, खसूसन मजहबी अकलियतों के साथ ऐसे वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को पाकिस्तान में गैर महफूज समझते हैं। इशफाक मसीह को लाहौर सेशन कोर्ट की जानिब से सजाए मौत का फैसला सुनाए जाने पर चेयरमैन जोसेफ जॉनसन ने वॉइस फॉर जस्टिस इंटरनेशनल ने हंगामी सतह पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रकन इश्कनाज खोखर से हंगामी सतह पर राब्ता किया और अफसोस का इजहार करते हुए फैसला किया कि हम मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरा मसीही भाई और उनके खानदान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जोसेफ जॉनसन ने इस केस में फौरी कानूनी मदद फ्राहम करने की मद में 10 लाख और मुतासरा खानदान की कफालत के लिए 5 लाख मदद फ्राहम करने का अंदिया देते हुए ये भी फैसला किया गया कि वॉइस फॉर जस्टिस इस केस को हर फॉर्म पर लेकर जाएंगे और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा है कि मसीही लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि इस केस के लिए भी और मुतासरा मसीही भाई इशफाक मसीह और उसके खानदान के लिए खसूसी दुआओं में याद रखें। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मंदिर में गोश्त और शराब रखने के इल्जाम में एक हिंदू पंडित को कत्ल कर दिया गया। वाकया पीलीभीत में पेश आया, जहां 7 जून को सरजीत सिंह नामी मुकामी शख्स ने महादेव स्थान मंदिर के पंडित बाबा राशिगिरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो एक लाश बरामद हुई, जिसकी शिनाख्त बाद में राशिगिरी के नाम से हुई। पंडित की लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। पुलिस ने कत्ल की तहकीकात शुरू की तो राशिगिरी आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज में लाला राम के साथ नजर आया। पुलिस ने उससे पूछगिछ की तो उसने इंकशाफ किया कि उसने अपने दीगर 2 साथियों धनराज और मुखिया के साथ मिलकर पंडित को तशद्दुद करके हलाक किया था। मुलजिम ने अपने इतराफी बयान में कहा कि पंडित मंदिर की हदूद में शराब पीता और गोश्त खाता था। हमने कई बार उसको ये काम करने से मना किया, लेकिन वो बाज ना आया, जिस पर उसके कत्ल का मनसूबा बनाया। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलव्वस 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके कत्ल में इस्तेमाल होने वाली लाठियां भी बरामद कर ली गई हैं। मसीही तहरीक बेदारी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी इमैनुअल नवाब एडवोकेट की प्रेस रिलीज के मुताबिक मरकजी चेयरमैन डॉक्टर आदिल गौरी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कर्क शफी उल्ला खान गंडापुर के खिलाफ एक दरख्वास्त IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाई है, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया है कि मुस्कुरा DPO की तरफ से खाकरोप की खाली असामियों पर भर्ती के लिए अखबारात में जो इश्तहार शाया करवाया गया है, उसमें इजाफी नोट दिया गया है कि इस असामी के लिए क्रिश्चियन उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। डॉक्टर आदिल गौरी का कहना है कि इससे न सिर्फ मसीही कौम की दिल आजारी हुई है, बल्कि इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी हुई है। इस जमन में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रकन मंजूर मसीह को भी दरख्वास्त की कॉपी भिजवाई गई है, जिस पर उन्होंने मुस्बत कार्रवाई का अंदिया दिया है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन का पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चेंज कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस अनवार हसैन पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ को 14 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। दायर दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि फैसला आइन की गलत तशरीह की बुनियाद पर किया गया है। 20 मुंतखब और 5
मखसूस नशिस्तों पर निकाले गए अरकान के बाद असेंबली नामुकम्मल है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन असेंबली में मौजूद सियासी जमातों की तादाद की बुनियाद पर होना आईनी तकाजा है। सियासी जमातों की तादाद मुकम्मल हुए बगैर मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का फैसला गैर आईनी है। दरख्वास्त में इस्तदआ की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कालदम करार दिया जाए। इंटर कोर्ट अपील के हतमी फैसले तक सिंगल बेंच का फैसला और नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। वाजा रहे कि इससे पहले पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असेंबली ने हल्फ उठाया। पर कराची म्यूनिसिपल वर्कर्स अलायंस और मजदूर इत्तेहाद लेबर यूनियन DMC ईस्ट और साउथ के तमाम जमींदारों ने ईद उल अज़हा के तीनों दिन अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम दी और लाइशें उठाने के काम की भी निगरानी की। मरकजी सदर मजदूर इत्तेहाद लेबर यूनियन परवेज हबीब के हमरा वाइस चेयरमैन मोहम्मद आसिफ तनोली, जनरल सेक्रेटरी फलक शेर, नायब सदर जाहिद सराज, ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद अतहर अली, ज्वाइंट सेक्रेटरी सलीम अख्तर, सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात आरिफ भट्टी मौजूद थे। सदर परवेज हबीब ने अपना इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कराची के तमाम बल्दियाती मुलाजमीन को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी को बेहतरीन अंदाज में पेश किया।